हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे राज्य पुनर्गठन के बारे में। ठीक, इसमें बात करेंगे हम लोग संभाग और जिले, सभी जिलों का अध्ययन। याद रखिए, अभी तक जितने भी हम लोग चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डालते जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए संभाग देखते हैं। जबलपुर संभाग यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। इसका मुख्यालय जबलपुर है, ये आपको याद रखना है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन है? जबलपुर। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर। ठीक है, इंदौर की बात करते हैं। इंदौर संभाग यह दूसरा बड़ा संभाग है। इंदौर मुख्यालय इसका इंदौर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। और साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? जबलपुर संभाग में। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ, कौन से संभाग में? इंदौर में। भोपाल संभाग इसका मुख्यालय राजधानी भोपाल में है। ग्वालियर संभाग ग्वालियर है। रीवा संभाग रीवा का मुख्यालय है। उज्जैन संभाग का मुख्यालय उज्जैन में ही है। सागर मुख्यालय इसका सागर में। चंबल मुख्यालय मुरैना में। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? चंबल। फिर नर्मदापुरम नर्मदापुरम इसका मुख्यालय होशंगाबाद। शहडोल इसका मुख्यालय शहडोल में। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल। ठीक है, 14 जून 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया था, 14 जून 2008 को। याद रखिए, सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में इंदौर है संभाग और सबसे छोटा शहडोल। अब बात करते हैं हम लोग किस संभाग में कितने जिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश संभाग हुए, ये संभाग दिए गए। सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की। तो उज्जैन में नीमच उज्जैन मंदसौर आगरमालवा रतलाम देवास शाजापुर। इंदौर की बात करें तो इंदौर में धार इंदौर धार झाबुआ खनगौन खंडवा बुरहानपुर बड़वानी अलीराजपुर। भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल विदिशा रायसेन सीहोर राजगढ़ जिले इसमें सम्मिलित हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर कटनी सिवनी नरसिंहपुर बालाघाट मंडला छिदवाड़ा डिंडोरी जिले शामिल हैं। चंबल की बात करें तो चंबल में भिंड मुरैना शिवपुर है। फिर ग्वालियर संभाग तो ग्वालियर गुना शिवपुरी अशोकनगर दतिया इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखिए। फिर बात करते हैं हम लोग सागर को देखते हैं। तो सागर में सागर पन्ना दमोह छतरपुर निवाड़ी प्लस 2018 में जो नया जिला बना है निवाड़ी, याद रखिए, वो भी सागर संभाग में ही सम्मिलित है। याद रखना है आपको, निवाड़ी सागर संभाग में सम्मिलित है। फिर है रीवा, इसमें जिले शामिल रीवा सीधी सतना सिंगरौली। शहडोल की बात करें तो उमरिया अनूपपुर शहडोल। होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद हरदा बैतूल जिले शामिल हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन संभाग की। ठीक है, किसे देखते हैं? उज्जैन संभाग को। उज्जैन संभाग इसमें कितने जिले हैं, कौन कौन से? नीमच उज्जैन मंदसौर शाजापुर आगर मालवा देवास रतलाम। ठीक, तो इसमें बात करते हैं नीमच जिले की। सबसे पहले कौन सा जिला? नीमच जिला। नीमच की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 8,26,067। 26,067। क्षेत्रफल है इसका 4,256 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की नीमच की 70.8%। लिंगानुपात है 954। इसकी स्थापना हुई नीमच जिले की 10 जून 1998 में। मंदसौर से अलग करके बनाया गया था नीमच जिला। ठीक है, उद्योगों की बात करें नीमच में तो गवर्नमेंट ओपीएम अफीम एंड एल के लॉयड फैक्ट्री भारत सरकार द्वारा यहाँ स्थापित की गई। नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स भी लगता है। नीमच के पर्यटक स्थलों की बात करें तो कुकड़ेश्वर महादेव व भदभदा माता का मंदिर है यहाँ।
1897 की क्रांति मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 से नीमच में ही प्रारंभ हुई थी। नीमच में ही CRPF ट्रेनिंग सेंटर भी है। मध्य प्रदेश का पहला गांव न्यायालय झांतला गांव ग्राम में स्थापित है। 10 ग्राम पंचायत मिलाकर बनाए गए, नीमच जिले में ही है। नीमच जावद मानसा तीनों तहसीलों को मिलाकर 1998 में जिला बनाया गया था नीमच। ठीक है, नीमच का आकार हृदय जैसा है, याद रखिए। पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के कौन से जिले का आकार हृदय जैसा है, तो याद रखना नीमच। फिर बात करते हैं हम लोग मंदसौर, उज्जैन संभाग में अगला जिला है मंदसौर। मंदसौर की जनसंख्या है 13,40,411। क्षेत्रफल इसका 5,535 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है मंदसौर की 71.8%। लिंग अनुपात है मंदसौर का 963। स्थिति इसकी है शिवना नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे। प्राचीन नाम क्या है मंदसौर का? दसपुर। उद्योगों की बात करें, स्लेट पेंसिल बनाना बनाने का कारखाना स्टार्च फैक्ट्री, जीवाजी राव शुगर मिल, वर्धमान फैब्रिक्स इत्यादि उद्योग हैं मंदसौर में। पर्यटन स्थलों की बात करें तो पशुपति नाथ का मंदिर, फूट तालाब, हिंगलाजगढ़ पहाड़ी किला, पिपल्या मंडी में बट्टी फासनाथ जैन मंदिर, भदभा मात्य मंदिर, सीतामऊ ऐतिहासिक स्थल, चंदवासा में धर्म राजेश्वर मंदिर है। मंदसौर की मुख्य फसल है अफीम। आगे देखते हैं, यशो वर्मन का मंदसौर अभिलेख, जिसमें जुलाहा सैनी द्वारा सूर मंदिर हेतु दान का उल्लेख किया गया है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। विद्युत क्षमता है इसकी 115 मेगावाट। गांधी सागर अभयारण्य ही मंदसौर में है। रावण की पूजा, रावण का ससुराल माना जाता है, रावण की पूजा भी होती है मंदसौर में। मंदसौर राजस्थान के 4 जिलों से लगता है, ठीक है, घिरा हुआ है। गांधी सागर मंदसौर को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी मंदसौर और पश्चिमी मंदसौर। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में ही स्थित है, ठीक है। फिर हमारा उज्जैन संभाग में रतलाम जिला, ठीक। रतलाम की जनसंख्या 14,55,569। 14,55,069। क्षेत्रफल यहाँ का 4,861 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 66.8%। लिंग अनुपात है 971। इसका रतलाम का उपनाम है सेव, नमकीन की नगरी। उद्योग हैं सैलकड़ी उद्योग, जावरा तहसील के शुगर मिल, IPCA प्रसिद्ध दवा कंपनी रतलाम में ही स्थित है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो लोटस टेम्पल, सुगोध में जैन मंदिर भी हैं। रतलाम की फसल है अफीम। अभ्यारण है सैलाना फिलोरीकन अभ्यारण, और त्रिवेणी मेला भी लगता है रतलाम में। जावरा की प्रसिद्ध हुसैन टेकरी, जो चमत्कारी सिद्ध इलाज हेतु प्रसिद्ध है। मालवा राजस्थान एवं गुजरात की लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है मध्य रतलाम में, ठीक। रतलाम नगर की स्थापना कैप्टन फोर्थ विक ब्रिक ने 1829 में की थी। बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन संभाग में अगला जिला है उज्जैन ही। उज्जैन की जनसंख्या है 19,86,864। कितनी है? 19,86,864। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है तो याद रखना, 6,091 वर्ग किलोमीटर है उज्जैन का क्षेत्रफल। साक्षरता है 72.3%। लिंग अनुपात है उज्जैन का 955। प्राचीन नाम है उज्जैन की अवंतिका और उज्जैनी। इसके उपनाम की बात करें तो महाकाल की नगरी, मंदिर एवं मूर्तियों का नगर भी उज्जैन को बोला जाता है। सिंहस्थ मेला लगता है 12 वर्ष के बाद, ठीक है, 12 वर्ष में एक बार।
उज्जैन में ही। उद्योग, नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना, कॉटन सीड सीड सॉल्वेंट प्लांट और सोयाबीन संयंत्र, महीदपुर शक्कर कारखाना उज्जैन में ही स्थित है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो भरतरी गुफाएं, संदीपनी आश्रम, बड़ा गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालिया देह मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जंतर मंतर, केंद्र चंपा कीप बावड़ी, मंगलनाथ मंदिर प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है। वेस्ट टेकरी तो दुर्गादासी की छत्री, कालिदास अकादमी, रूणाजी तेजाजी का प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? उज्जैन में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है उज्जैन, याद रखिए प्रतिशत की दृष्टि से। विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। 600 ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी उज्जैन थी। फारनी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान कहाँ है? उज्जैन में। विक्रम यूनिवर्सिटी भी उज्जैन में। उज्जैन में ही सबसे पहले शून्य का प्रयोग ब्रह्मागुप्त द्वारा किया गया था। उज्जैन में स्थित नवग्रह मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है, ठीक है। उज्जैन संभाग में अगला जिला है हमारा देवास। कौन सा? देवास। देवास की जनसंख्या कितनी है? 15,63,715। यहाँ का क्षेत्रफल है 7,020 वर्ग किलोमीटर। देवास की साक्षरता है 69.3%। लिंग अनुपात है देवास का 942। उद्योगों की बात करें तो उद्योग हैं, आयसर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है देवास में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स है, टाटा का असेंबली सेंटर है, मंगोलिया में गैस वाटलिंग प्लांट है, एस कुमार शूटिंग एवं शटिंग है यहाँ, जाम गोदरानी और राजौदा में पवन संयंत्र रेनवैक्सी कंपनी भी यही है। नोट छापने का कारखाना कहाँ है? देवास में। 5 रुपये से अधिक कीमत के नोट। एकमात्र निर्यात उद्योगिक पार्क कहाँ है? देवास में। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ है? देवास में। मंदिर है देवास में, चामुंडा देवी का मंदिर भी है देवास में। बागली में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है जो देवास में जिले में ही है। पीपरी में अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ISO प्रमाणित पहला थाना है देवास। ISO प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवास में ही है। देवास की बागली गांव से कालीसिंध नदी निकलती है। हाट पिपल्या पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का गृह क्षेत्र है। देवास को कलाओं का घर कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथ में देवास का नाम देववास या देवीवास मिलता है। देवास को राज्य का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। फिर उसके बाद उज्जैन संभाग में हमारा अगला जिला है शाजापुर। जनसंख्या है शाजापुर की 2011 की जनगणना के अनुसार 15,22,681, ठीक। यहाँ का क्षेत्रफल है 3,411 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 69.1%। लिंगनपार 938 है शाजापुर का। मक्सी तहसील में डावर का संयंत्र है जो शाजापुर जिले में ही स्थित है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा, वर्सी दरगाह, नलखेंडा का प्रसिद्ध मंदिर, जामा मस्जिद, चिलर नदी के तट पर किला है शाजापुर में ही स्थित है। मेला या मोमन बड़ौदिया मेला लगता है। रावण की पूजा भी होती है और पूर्व का नाम है रावण करखेड़ी। सुजालपुर व काली पीपल की प्रसिद्ध अनाज मंडी भी है यहीं। शाहजहाँ के नाम पर शाहजहाँपुर हुआ, फिर इसे शाजापुर हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी शाजापुर है। फिर बात करते हैं आगरमालवा। तो याद रखना आगरमालवा का यहाँ एक पॉइंट और याद रखिए, जो जनसंख्या बता रहा है ना 2011 के अनुसार, तो 2011
2013 में इससे अलग होकर एक नया जिला बना है आगरमालवा। तब से इसकी जनसंख्या बची है 10,32,681, वो पहले जब अलग नहीं हुआ था जिला तब थी 15,12,681। ठीक, आगर मालवा, इसकी जनसंख्या है 57,571,278, 52% पुरुष हैं और 48% महिलाएं। इसका क्षेत्रफल है 2,785 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 65%। नवनिर्मित 51 बार जिला था ये। ठीक है, 16 अगस्त 2013 को शाहजहाँपुर जिले से अलग कर कर बनाया गया। इसमें तहसील आगर, बड़ौद, सुसनेर व नलखेड़ खेड़ा थी। उपखंडों की बात करें, आगर सुसनेर राजस्थान की सीमा से लगा पश्चिमी जिला है। पिथम गो अभ्यारण्य देश का पहला गाय अभ्यारण्य सुसनेर तहसील में स्थापित है, अगर मालवा में ही स्थित है। 10वीं शताब्दी में परमार साम्राज्य की अवंतिका के साथ राजधानी थी। मुगल काल में यह सबसे चर्चित स्थल रहा अगर मालवा। पर्यटक स्थलों की बात करें अगर मालवा में, तो मोती सागर, बड़ा तालाब, रतन सागर, रतौदिया तालाब, काली सिंध नदी पर परसू खेड़ी बांध स्थित है, पिपलिया कुमार तिलार बांध है, बिजनाथ महामंदिर महादेव मंदिर है, जिससे एक ब्रिटिश कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में बचने पर बनवाया था। मंदिर गुफा वारदा, तुल्या भवानी मंदिर, केवादा स्वामी, काल भैरव मंदिर, कमल कुंडली, रणछोड़ मंदिर, रानी सती दादी जी का मंदिर, चिंताहरण, गणेश मंदिर, ये सभी आगर मालवा है। आगर मालवा लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। अगला हमारा जिला है, अगला संभाग होगा इंदौर संभाग। ठीक है, उज्जैन देख लिया, अब बात करेंगे हम लोग उज्जैन संभाग को। देख चुके हैं इंदौर संभाग। इंदौर में इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। इंदौर संभाग में पहला जिला है हमारा इंदौरी। ठीक है, इंदौर की जनसंख्या है 32,76,697। इंदौर का क्षेत्रफल है 3,898 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की इंदौर की साक्षरता दर है 80.9%। लिंग अनुपात है 928 इंदौर का। इंदौर के उपनाम है मिनी बॉम्बे, औद्योगिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी एवं व्यवसायिक राजधानी। ठीक है, इंदौर का प्राचीन नाम है इंदुपुर। होलकर वंश की राजधानी रहा है इंदौर। भारत में एकमात्र शहर जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट केंद्र भी इंदौर है। औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी इंदौर में ही है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क कहाँ है इंदौर में। पोलो ग्राउंड प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे प्रमुखता रसायन एवं प्लास्टिक उद्योग है इंदौर में ही है। कपड़ा उद्योग भी इंदौर में है। इंदौर एयरपोर्ट DAV एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है, दिया जा चुका है। ठीक है, 2019 में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट महू में है, जो इंदौर जिले में ही है। राला मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर भी है। एशिया में प्रथम एवं विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खाद इकाई इंदौर में ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंदौर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तत्व। मध्य प्रदेश का प्रथम डेंटल कॉलेज भी इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है। महू में सैनिक छावनी है। पशु चिकित्सा कॉलेज इंदौर में ही स्थित है। दूर संचार अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज ये महू में है। पैदल सेना स्कूल महू में है। राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना अम्बेडकर की जन्मभूमि महू में की गई।
जाना पाओ चंबल की नदी का उद्गम स्थल है, कृषि जमदाग्नि और परशुराम की तपभूमि है, गुम्मटगिरी प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है, यशवंत सागर इंदौर शहर को जल प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत है, गौतमपुरा में हिंगोट मेला जिसमें सांडों की लड़ाई व मनुष्य अग्निबाण से लड़ाई करते हैं, ठीक है। फिर हमारा इंदौर में स्थिरपुर झील, इंदौर के इस तालाब को पक्षी विहार घोषित किया गया है। छिप्रा नदी काकड़ी वर्डी से निकलती है, याद रखना छिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन है अपना। उज्जैन किस नदी के किनारे? छिप्रा, ठीक है। वो छिप्रा नदी निकलती कहाँ से? काकड़ी वर्डी से निकलती है, जो इंदौर जिले में ही पड़ता है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी इंदौर में, अंबेडकर नगर महू का नया नाम है, ठीक। फिर इंदौर संभाग में अगला जिला है हमारा खरगोन, पश्चिमी निवाड़ भी बोलते हैं। खरगोन को क्या बोलते हैं? पश्चिमी निवाड़, ठीक है। इसकी जनसंख्या है 18,73,046। इसका क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है खरगोन की, पश्चिमी निवाड़ की, 62.7%। 965 पश खरगोन का लिंगानुपात है। रंगीन सुनहरी कपास के उत्पादन में राज्य के 4 जिलों में से एक है खरगोन। सिंगाजी का मेला भी लगता है खरगोन में। देजला देवड़ा, इस गांव में कुंडा नदी पर मिट्टी का बांध बना हुआ है, जिसकी सिंचाई क्षमता 8,000 हेक्टेयर है। पर्यटक स्थलों की बात करें तो प्रसिद्ध कसरावद स्तूप खरगोन में ही स्थित है। सिरवल महादेव यहाँ पर शिव मंदिर है। बकवा, नर्मदा के पत्थरों से निर्मित शिवलिंग की यही शिवलिंग है यहीं पर। रावर खेड़ी मराठा पेश बाबाजी राव की समाधि है खरगोन में। मंडलेश्वर ऐतिहासिक स्थल तथा जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है खरगोन में। ठीक है, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर खरगोन में ही। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। ऊन चंदेल परमार शैली के अनेक मंदिर भी हैं यहाँ। CISF का प्रशिक्षण केंद्र बड़वा है खरगोन में ही स्थित है। महेश्वर की खाड़ी प्रसिद्ध है, महेश्वर की साड़ी प्रसिद्ध है। सर्वाधिक हाइड्रल जल पंप खरगोन जिले में ही स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र भी है। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में ही स्थित है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग खंडवा के बारे में। किसके बारे में? खंडवा के बारे में, जिसे पूर्वी निवाड़ बोला जाता है, ठीक है। इसकी जनसंख्या है 13,10,061। इसका क्षेत्रफल है 6,206.45 वर्ग किलोमीटर। इसकी साक्षरता है 66.4%। लिंगानुपात है 943। 1956 के पूर्व यह निवाड़ जिले के रूप में महाकौशल का हिस्सा था। मशहूर फिल्म अभिनेता अशोक कुमार की जन्मस्थली है खंडवा। मध्य प्रदेश का पहला कोरकू जनजाति समुदाय के रेडियो केंद्र खंडवा से शुरू किया गया था। गांजा उत्पादक जिला एवं राज्य का कपास जिला भी खंडवा ही है। किशोर कुमार की स्मृति में गौरी कुंज का निर्माण कराया गया था। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है खंडवा में। छनेरा ग्राम हरसूद जो इंदिरा सागर परियोजना के डूब जाने में आ गया था, ठीक है। पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है। मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है नांगचुन बांध भी यही है खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली है खंडवा। खंडवा क्षेत्र का आकार ऊ आकार छोटा ऊ का आकार का है। राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है ओकारेश्वर मंदाना में। मंदिर की बात करें तो तुलजा भवानी मंदिर, धूनी वाले दादाजी दरबान, ये भी खंडवा में। देश का पहला जल सत्याग्रह घोगला गांव में हुआ था, जो खंडवा में है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यहाँ सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्ड लगाया जा रहा है। फिर इंदौर संभाग में अगला जिला होगा बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। बुरहानपुर की जनसंख्या है 7,57,847। क्षेत्रफल है 3,227 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 64.4%। 951 यहाँ का बुरहानपुर का लिंगानुपात है। 15 अगस्त 2003 में खंडवा से पृथक होकर
बना यह जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है, बुरहानपुर। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, जो बुरहानपुर में ही स्थित है। उद्योग की बात करें बुरहानपुर के, तो नेपानगर में नेशनल न्यूज पेपर पेंट खाना कारखाना, बुरहानपुर हथकरघा उद्योग भी है। नेपानगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज बुरहानपुर में ही स्थित है। बहू खाना में मुमताज की पहले दफनाया गया था, बाद में ताजमहल में, अहू खाना में, ठीक है, याद रखना। असीरगढ़ के किले को अकबर ने 1601 में जीता। कमरगढ़, मलयगढ़, असीरगढ़ को 3 किलों का समूह कहा जाता है। असीरगढ़ में शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र स्थित है। खूनी भंडारा बुरहानपुर की मुगलकालीन जल प्रदाय व्यवस्था है। शेख बुरहाउद्दीन द्वारा अपने नाम पर बसाया गया नगर है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो बीबी की मस्जिद, बादशाही किला, जामा मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा यहीं है बुरहानपुर में, ठीक है। फिर हमारा बड़वानी, उज्जैन इंदौर संभाग में अगला जिला कौन सा है? बड़वानी, जिसकी जनसंख्या है 13,85,881। क्षेत्रफल है 5,422 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 49.1%। लिंगानुपात है 982। इसकी स्थापना बड़वानी की हुई 25 मई 1998 को खरगोन से अलग करके मनाया गया था। सिसोदिया वंश की राजधानी भी रहा है बड़वानी। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में ही स्थित है। पर्यटक स्थलों की बात करें तो 52 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक, बड़वानी में ही स्थित है। 52 गजा जैन तीर्थ, 11 मंदिरों का समूह है। बीजासैन का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, भंवरगढ़ का प्रसिद्ध किला बड़वानी में स्थित है। निवाड़ का पेरिस कहते हैं किसे बड़वानी को? अन्य नाम है बड़नगर, सिद्धनगर। सेंधवा तहसील महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश की कपास मंडी है यहाँ पर, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग, सर्वाधिक लाल मिर्च होती है, ठीक। सेंधवा मध्य प्रदेश को सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला बैरियल है। 2007-08 में एक दिन का सर्वाधिक तापमान यहीं दर्ज किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बड़वानी के बाद धार, उज्जैन संभाग में अगला जिला है धार, इंदौर संभाग में, सॉरी है, ठीक, इंदौर संभाग की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ की 21,85,793 है जनसंख्या। क्षेत्रफल है 8,153 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 59.0%। लिंगानुपात है 964। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला है धार। पर्यटन स्थलों की बात करें तो मांडू के महल, 56 महल, रूपमती महल, होसंग शाह का मकबरा, जहाज महल, बाकी गुफाएं, हिडोला महल, ये बाकी गुफाएं गुप्तकालीन है, ठीक है। हिडोला महल गियासुद्दीन द्वारा निर्मित है। ये धार में मोहनखेड़ा प्रसिद्ध जैन तीर्थ, 16 फीट की आदिनाथ की मूर्ति है। पुरातात्विक जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम राजा भोज निर्मित भोजशाला, सरस्वती का मंदिर, मूर्ति कला के प्रसिद्ध स्थान है फड़के स्टूडियो, धार जिले में ही स्थित है। धार परमार वंश की राजधानी थी। मांडू को सिटी ऑफ ज्वाय कहते हैं, मांडू को सिटी ऑफ ज्वाय कहते हैं। पीथमपुर धार को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल केंद्र कहते हैं। पीथमपुर में देश का पहला सेज यूनियन कैम कंपनी का एवं निर्यात संवर्धन पार्क स्थित है। सरदारपुर अभयारण्य खरमोर का संरक्षण है, यहाँ धार में ही स्थित है, ठीक है। फिर बात डायनासोर जीवाश्म मार्ग, 2007 में जीवाश्म मिले यहाँ धार में ही स्थित है। फिर ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत 1997 में, जो भारत का पहला ई विलेज प्रोजेक्ट है, धार में ही शुरू हुई थी। भारत का पहला ऑटो टेस्ट ट्रेन धार में है। चारा बनाने का संयंत्र धार जिले में है। धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। फिर इंदौर संभाग में अगला जिला होगा हमारा झाबुआ। झाबुआ की जनसंख्या है 10,00,000,
25,048। यहाँ का क्षेत्रफल है 6,778 वर्ग किलोमीटर। 43.3% है झाबुआ का साक्षरता। 990 लिंगानुपात है झाबुआ की। मक्का उत्पादन होता है, यहाँ की मुख्य फसल है झाबुआ। मेला की बात करूँ तो भगोरिया हाट का मेला लगता है झाबुआ में। गुजरात एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। रेल रिपेयर फैक्ट्री भी झाबुआ में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, याद रखना है झाबुआ। भील जनजाति का निवास स्थान है झाबुआ। आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ है? झाबुआ में। मेघनगर में रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है सीमेंट चादर बनाने हेतु। यहाँ फिर है झाबुआ में मेघनगर, झाबुआ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। आवासीय खेल विद्यालय पेटलाबाद झाबुआ में ही स्थित है। सोनार नदी के तट पर देवी झीरी नामक देवस्थल है। जल ग्रहण मिशन में राज्य का शीर्ष स्थान है झाबुआ का। फिर है अलीराजपुर, हमारा इंदौर संभाग में अगला जिला है अलीराजपुर, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद नगर भी बोलते हैं। जनसंख्या यहाँ की 7,28,999। क्षेत्रफल है 3182 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है सबसे कम 36.1%। ठीक है, लिंगानुपात है 1011। स्थापना इसकी हुई थी 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक करके बनाया गया था। राज्य की प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय है यहाँ पर अलीराजपुर में। जोबट मान परियोजना, ये भी अलीराजपुर में। मक्का उत्पादन होता है अलीराजपुर में। न्यूनतम साक्षरता 31.1% वाला जिला भारत में, ठीक है, सबसे भारत में सबसे कम साक्षरता है अलीराजपुर में। डोलोमाइट खनिज का उत्पादन होता है 3 तहसीलें अलीराजपुर, भावरा, चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि और जोबट से मिलकर बना था। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य, कट्ठीवाड़ा झरना यहीं स्थित है अलीराजपुर में। आम की नूर जहाँ प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है आपका अलीराजपुर। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है अलीराजपुर। ठीक है, फिर आता है हमारा भोपाल संभाग। ठीक है, इंदौर और उज्जैन देख चुके हैं, उज्जैन इंदौर। अब बात करेंगे भोपाल संभाग के बारे में। तो भोपाल में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ जिले शामिल हैं। तो बात करते हैं भोपाल की। जनसंख्या 23,71,061 है भोपाल की। क्षेत्रफल है भोपाल का 2,772 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है भोपाल की 80.4%। लिंगानुपात है 918। स्थापना इसकी राजा भोज द्वारा की गई थी। 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया। पहले यह सीहोर जिले की तहसील थी। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसे झीलों का शहर भी बोलते हैं भोपाल को। दोस्त मोहम्मद खान ने इस शहर की स्थापना की थी। इसरो का उपग्रह केंद्र भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM भोपाल में ही स्थित है। एशिया का पहला उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल में ही स्थित है। जनसंख्या की वृद्धि दर में द्वितीय स्थान पर है भोपाल, प्रथम पर इंदौर। सर्वाधिक साक्षरता महिला 76.6% भोपाल में ही स्थित है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पंडित कुंजीलाल विधि कॉलेज भोपाल में ही स्थित है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में। एशिया की पहली बड़ी जिला अदालत कहाँ है? भोपाल में। भारत भवन भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भोपाल में स्थित है। पर्यावास भवन भोपाल में स्थित है। देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक भोपाल के हमीदिया अस्पताल में स्थित है। संग्रहालयों की बात करें तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिरला म्यूजियम, माधव सप्रे पत्रकारिता, राज्य संग्रहालय, दूर संचार संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। पर्यटक स्थलों की बात करें भोपाल के, तो इसमें नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, गोहर महल,
ताजुल मस्जिद भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है। ठीक, सबसे छोटी मस्जिद डाई सीडी, आकार गुड़िया का घर, इस्लाम नगर का किला, कमला पार्क, बिड़ला मंदिर, मछली घर, सामसगढ़ जैन तीर्थ है, सभी भोपाल में स्थित हैं। गुमसुद्दीन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद यहीं स्थित है। प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की शुरुआत 2006 में भोपाल की बड़ी झील में की गई थी। उद्योगों की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भेल 1960 की स्थापना बेटेन के सहयोग से की गई थी। मैदा मिल ठीक है यहाँ भोपाल में ही स्थित हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री निशांतपुरा, सोया बिस्कुट बनाने का कारखाना भी भोपाल जिले में ही स्थित है। MCF मास्टर फैसिलिटी सेंटर 2007 में इसरो द्वारा उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित घोषित किया गया भोपाल। ठीक है, आगे बात करें HSADTL हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लेबोरेटरी भारत की एकमात्र भोपाल में स्थित है। सीमेट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना दिसंबर 2009 में भोपाल में ही की गई थी। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सन 1965 में हुई थी। नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में, साई का क्षेत्रीय कार्यालय गोरागांव भोपाल में, मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में, भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में, प्रथम टीवी स्टूडियो भोपाल में स्थित है, संजीवनी संस्थान भी भोपाल में स्थित है, देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में। ठीक, सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यहीं स्थित हैं। दो समकक्ष विश्वविद्यालय MANIT मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। मापतौल प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में स्थित है। भोपाल शहर पांच पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखना। फिर बात करेंगे हम लोग भोपाल संभाग में, अगला जिला है हमारा सीहोर। कौन सा? सीहोर। इसकी जनसंख्या कितनी है? 13,11,332। क्षेत्रफल है 6,578 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 70.1%। लिंग अनुपात है 918। मेला यहाँ लगता है सलकनपुर मेला। ठीक है, सीहोर में उद्योग बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। भोपाल शुगर मिल्स सीहोर में है। नदियों की बात करें तो आष्टा तहसील से पार्वती नदी, कोलार नदी का उद्गम एवं कोलार जलाशय परियोजना स्थित है। सीहोर जिले के गोपालपुर में सिद्ध गणेश मंदिर स्थित है। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ है? सीहोर में। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी में है, जो सीहोर जिले में ही स्थित है। सीहोर का पूर्व नाम है सिद्धपुर, सेवान नदी के तट के नाम पर। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, अब तो कमलनाथ हैं 2020 में की बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ हम लोग। ठीक, तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक हैं, तथा सीहोर इनका गृह जिला है। पान गुड़ारिया बुधनी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सारू मारू की प्रसिद्ध गुफाएं, बढ़िया खेड़ी का रामलला मंदिर सीहोर में ही स्थित है। अगला जिला है भोपाल संभाग में विदिशा। कौन सा? विदिशा। जनसंख्या है 14,58,875 विदिशा की। यहाँ का क्षेत्रफल है 7,371 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 70.5%। 896 लिंग अनुपात है विदिशा का। प्राचीन नाम है विदिशा की भेलसा महामालिस्तान, मालिस्तान या बेसनगर। ठीक है, उद्योगों की बात करें विदिशा में तो वनस्पति घी उद्योग, प्लास्टिक पाइप उद्योग हैं। और पर्यटन स्थलों की बात करें विदिशा में तो उदयगिरी की गुफाएं, जैन तीर्थकर शीतलनाथ का की जन्मस्थली, उदयपुर गांव का नीलकंठेश्वर मंदिर यहीं स्थित है। ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर है विदिशा में।
भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी विजयनगर में है। फसल की बात करें तो विदिशा में चना अधिक होता है। सम्राट अशोक सागर हलाली डैम परियोजना विदिशा में ही स्थित है। सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज भी विदिशा में। कुरवाई प्रसिद्ध मंडी ये भी विदिशा में। 1952 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र कुमार प्रसाद द्वारा इसका नाम विदिशा घोषित किया गया। औरंगजेब के काल में विदिशा का नाम आलमगीरपुर है। ठीक है, फिर बात करते हैं रायसेन। भोपाल संभाग में अगला जिला है रायसेन। रायसेन की जनसंख्या है 13,31,597। क्षेत्रफल है 8,466 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है यहाँ की रायसेन की 73.0%। लिंगनपात है रायसेन का 901। औद्योगिक महत्व का जिला है रायसेन। उद्योग है यहाँ मंडदीप, देश की पहली फाइबर ऑप्टिकल फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। दवा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है रायसेन। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट फैक्ट्री एशिया की पहली फैक्ट्री है, दे रायसेन में ही स्थित है। नदी की बात करें तो रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। यहाँ रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट स्थित है अभ्यारण्य। ठीक है, रायसेन में विश्व धरोहर सूची सांची स्तूप, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, भीमबेटका विश्व का पहला शैलाश है यहीं स्थित है रायसेन। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है। भोजपुर में मकर संक्रांति, शिवरात्रि व वसंत पंचमी पर मेला लगता है। इसे पूर्व का सोमनाथ करते हैं। कामखेड़ा मुगलकालीन प्रशासनिक मुख्यालय है ये रायसेन में। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में। सांची के बाद बारे में बात करते हैं। ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप है। सांची अभिलेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंध में जानकारी है इसमें। स्तंभ लेख जातक कथाएँ उत्कीर्ण है इस पर। विशाल प्रवेश द्वार, एक बौद्ध विहार, सतधार स्तूप भी सांची में स्थित हैं। विशाल पाषाण पर निर्मित कटोरा, भिक्षुओं का भोजन इसी में बनता है बनता था। गुप्तकालीन मंदिर के भग्नावशेष सांची में स्थित हैं। पुरातात्विक संग्रहालय सांची में। फिर भोपाल संभाग में अगला जिला होगा हमारा राजगढ़। जनसंख्या कितनी है राजगढ़ की? 15,45,814। क्षेत्रफल है 6,153 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है राजगढ़ की, साक्षरता दर है 61.2%। लिंगनपात है 956। नरसिंहगढ़ अभ्यारण है राजगढ़ में। पर्यटन स्थलों की बात करें तो नरसिंहगढ़ का किला, जालिया माता मंदिर, धरेल पहाड़ी का पशुपतिनाथ मंदिर, खोरी महादेव मंदिर, भामगढ़ का हनुमान मंदिर राजगढ़ में। राजगढ़ देश का पहला ऐसा जिला है जिसने पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला है राजगढ़। व्यवराह को राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कहा जाता है। राजगढ़ की नरसिंहगढ़ तहसील में चिड़ीखो झील वन्य जीव अभ्यारण के अंदर स्थित है। नरसिंहगढ़ को कश्मीर ए मालवा कहते हैं, राजगढ़ में ही स्थित है। ठीक, आगे बात करें, आगे है होशंगाबाद संभाग नर्मदापुरम। याद रखिए होशंगाबाद संभाग में तीन जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसे होशंगाबाद संभाग को नर्मदापुरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग होशंगाबाद जिले की। ठीक, तो इसकी जनसंख्या 12,41,350। और होशंगाबाद का क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका 6,773 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 75.3%। 914 लिंगनपात है। स्थापना इसकी नर्मदा नदी के तट पर स्थित, जिसे होशंगा साय गौरी मांडू नरेश ने बसाया था। उद्योगों की बात करें तो सिक्योरिटी पेपर मिल, स्टील संयंत्र डोलरिया में प्रस्तावित है। इटारसी में आयुध डिपो है। एमपी एग्रो मोरारजी खाद कारखाना रेसलपुर होशंगाबाद में ही स्थित है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो पचमढ़ी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पांडव गुफाएं, तबावन, सेठानी घाट, सनसेट
पॉइंट और डचेज जलप्रपात बोरी अभयारण्य यही है। होशंगाबाद का संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद सबसे अधिक सिंचित जिला है। भारत की दूसरी मदर दूध डेयरी, पहली लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में और दूसरी यही नर्मदापुरम होशंगाबाद ज़िले में है। ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी यहीं स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में ही है। जड़ी बूटी बैंक व जैव विविधता केंद्र पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म बाबई में है। बाबई में ही माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थली है। एटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में है। प्रसिद्ध तावा कोयला क्षेत्र भी होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। वोल्फ्राम खनिज के लिए प्रसिद्ध अगर गांव होशंगाबाद में ही स्थित। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पोल तावा नदी पर होशंगाबाद में स्थित है। सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला पहला जिला है। आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में है। मेला राम जी बाबा जी का मेला लगता है। नवपाषाणिक काल स्थल आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। होशंगाबाद का गेहूं में प्रति हेक्टर उत्पादन में देश में पहला स्थान है। राज्य की दूसरी खुली जेल 2010 में स्थापित हुई। फिर होशंगाबाद संभाग में अंगला जिला है हमारा हरदा। हरदा की जनसंख्या है 5,70,465। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में है इसका 3,334 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 72.5%। इसका लिंगानुपात है 935। हरदा में कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडालपुर में। पर्यटक स्थलों की बात करें तो नैमावर तीर्थ नर्मदा तट पर, मकड़ाई का किला यहीं स्थित है। बोरी अभयारण्य हरदा में ही स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, याद रखना, 2018 में जब निवाड़ी नया जिला बना है तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में निवाड़ी जिला छोटा है। सर्वाधिक औसत जोत वाला जिला है। हरदा के प्रोफेसर महेश दत्त मिश्र गांधी जी के अभिन्न सहयोगी थे। 15 अगस्त 1947 को विराठा जी ने हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया था। फिर बात करते हैं हम लोग बैतूल के बारे में। होशंगाबाद संभाग में अगला जिला है बैतूल। इसकी जनसंख्या है 15,75,362। इसका क्षेत्रफल है 10,043 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 68.9%। लिंगानुपात है 971। भारत का मध्य बिंदु पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो वन आच्छादित है। बैतूल में कोरकू जनजाति पाई जाती है। बैतूल में ग्रेफाइट पाया जाता है। कोकरू में कॉफ़ी पैदा होती है। नदी की बात करें तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुलताई तालाब से निकलती है। यहाँ मेला लगता है, भोपाली का मेला लगता है बैतूल में। अभयारण्य की बात करें तो कालीभीत अभयारण्य में भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। पर्यटक स्थलों की बात करें तो मठार देव सारणी, बालाजी मंदिर बैतूल में, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल भी यही है। ठीक है। सालवडी नामक ठंडे गर्म पानी का स्रोत व शिव गुफा बैतूल में ही स्थित है। सारणी ताप विद्युत केंद्र भी बैतूल में है। आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी है। प्रदेश की संतरा मंडी मुलताई बैतूल में ही स्थित है। पशु बाजार के लिए प्रसिद्ध है वेरुल बाजार जो बैतूल जिले में है। वन रक्षक तिथि प्रशिक्षण महाविद्यालय है। भैंसदेही नामक बांस की बड़ी मंडी भी है। 2012 में प्रथम गोंडी समुदाय केंद्र की स्थापना बैतूल जिले में ही की गई। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग संभाग, अगला संभाग है हमारा जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। तो जबलपुर में बात करें तो जबलपुर में जिले हैं जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जबलपुर ज़िले के बारे में। जबलपुर की जनसंख्या है 24,63,289 और क्षेत्रफल है 5,210 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 81.1%, सर्वाधिक है जो, और लिंगानुपात है 929। पर्यटक स्थलों की बात करें तो मदन महल 1116 में बना, 64 युगनी का मंदिर, पिसन हारी की मड़िया, पीजन हरी जैन तीर्थ, माला देवी मंदिर, भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात,
जबलपुर में ही स्थित हैं। तिगबा नामक गांव में तिप्पुर सुंदरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है। तिगबा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, वरेला में दुर्गावती समाधि स्थित है। जवाली ऋषि के नाम पर ही इसका नाम जबलपुर रखा गया है। उद्योग की बात करें तो भारी वाहन कारखाना उद्योग है जबलपुर में। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी है। गन कैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में जबलपुर में ही हुई थी इसकी स्थापना। जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तथा महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय भी जबलपुर में ही स्थित हैं। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में ही स्थित है। महात्मा गांधी समुदाय विकास प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1964 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर में ही स्थित है। त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी जो कलचुरियों की राजधानी थी तथा 1939 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख मिला है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है जबलपुर 81.1%। जनगणना 2011 के अनुसार। और महिला NCC प्रशिक्षण कॉलेज भी यहाँ है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र भी जबलपुर में है। वन डैगन डैग वर्नेस लागू करने वाला देश का पहला जिला है जबलपुर। तिलवाड़ा नर्मदा नदी पर महात्मा गांधी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी। परगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में। थल सेना का शस्त्र स्कूल भी जबलपुर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र जबलपुर में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी जबलपुर में है। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र जबलपुर में है। जबलपुर आम जिला घोषित है। प्रदेश में सरकार संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? न्यायिक राजधानी भी जबलपुर को कहते हैं और संस्कार राजधानी भी जबलपुर को कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में स्थित है। बात करते हैं जबलपुर संभाग में अगला जिला हमारा कटनी। कौन सा? कटनी की जनसंख्या है 12,52,042। इसका क्षेत्रफल है 4950 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 72%। लिंगानुपात है 952। स्थापना हुई इसकी 1998 में जबलपुर से अलग करके कटनी बनाया गया था। उपनाम है कटनी के चूना नगरी मार्बल नगरी। यहाँ का रेलवे जंक्शन मुंडवारा के नाम से प्रसिद्ध है। उद्योगों की बात करें कटनी में तो ACC सीमेंट फैक्ट्री, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कीटनाशक दवाई बनाने का संयंत्र कटनी में स्थित है। मध्य प्रदेश में चूने का सर्वाधिक उत्पादन कटनी में होता है। कटनी में एक नदी है कैन नदी, ठीक है। देश की ये याद रखना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यहीं की थी कटनी की, ठीक है। कर्नल इस्लीमन ठगी प्रथा का उन्मूलन करने वाला के नाम पर यह इस्लीमनाबाद नगर कटनी जिले में है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो बहु रीवन प्रसिद्ध धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल है। जैन तीर्थ का शांतिनाथ की 12 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ बिलहारी पुष्पावट्टी नगर भी है। रूपनाथ मौर्यकालीन स्थल पाली भाषा में अशोक का अभिलेख, 5 लिंगी शिव प्रतिमा तथा 3 पवित्र कुंड रामकुंड सीताकुंड लक्ष्मण कुंड यही है, ठीक है। टिंग वन की बात करें तो गुप्तकालीन ब्रह्मावलिपि का अभिलेख है। झिनझरी रंगीन चित्र 14 विशाल चट्टाने फिर ऐतिहासिक काल स्थल है यहाँ। फिर अगला हमारा जिला जबलपुर संभाग में सिवनी। कौन सा है? सिवनी। इसकी जनसंख्या है 13,79,131।
इसका क्षेत्रफल है 8,758 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता है 72.1%, लिंग अनुपात है 982। सिवनी समुद्री घोड़ी की आकृति वाला जिला है। ठीक, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी जिले को, सिवनी को। भैरव थान का मेला लगता है सिवनी में। पैंच राष्ट्रीय उद्यान मोगली लैंड बनाया गया, इसका नाम प्रियदर्शनी पार्क है। काली मूछ का चावल मावा वाटी के लिए लखना दौद प्रसिद्ध है। वैनगंगा नदी भी यहाँ है सिवनी में। भीमगढ़ बांध सिवनी जिले में है। वैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध बना हुआ है मिट्टी का। ठीक है, सिवनी से NH-7 गुजरता है। ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग। सिवनी का नामकरण बहुतायात में उपलब्ध सेवना नाम के वृक्ष पर पड़ा है। इस वृक्ष की लकड़ी से ढोलक बनती है। सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना यहाँ है। प्रथम PPE आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में प्रस्तावित है। बात करते हैं जबलपुर संभाग में, अगला जिला है बालाघाट। बालाघाट की जनसंख्या है 17,01,698। क्षेत्रफल है 9,229 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है बालाघाट की 77.1%। लिंग अनुपात है 10:21। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है बालाघाट। ठीक है, पहले यह जिला शिकारियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध था। बालाघाट का स्थानीय नाम बुरहा या बुरा था। नदियां यहाँ बैनगंगा और बागदेव है। पर्यटक स्थलों की बात करें बालाघाट में तो नाह लेसरा बांध चंदन नदी पर निर्मित है तथा इसके निकट अंबा माई का प्रसिद्ध मंदिर है। लामटा या धोती बांध बैनगंगा नदी पर निर्मित है। गांगुल पारा जलप्रपात भी है। लांजी का प्रसिद्ध किला जिसे कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया। बालाघाट में ही कलचुरी कालीन मंदिर भी है। राम पायली नामक ऐतिहासिक स्थल चंदन नदी के तट पर स्थित है। हट्टा नामक ऐतिहासिक स्थल जो बावड़ी व मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट धान उत्पादक शीर्ष जिला है। बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है। बालाघाट में बैगा जनजाति पाई जाती है। बालाघाट में मैगनीज नगरी कहा जाता है बालाघाट को। मीराजपुर व उकवा में मैगनीज की खदानें भी हैं बालाघाट में। भरवेली एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैगनीज खान है। बालाघाट में बांस सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात 1021 वाला जिला है। ठीक है, प्रदेश का प्रथम वन राजिक महाविद्यालय भी बालाघाट में। मलाजखंड तहसील तामा नगरी से तामा निकलता है। हिंदुस्तान कोपर प्रोजेक्ट मलाजखंड में है। फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में स्थित है। जबलपुर संभाग में अगला जिला होगा हमारा, अगला जिला है मंडला। मंडला की जनसंख्या है 10,54,905। क्षेत्रफल है मंडला का 5,800 वर्ग किलोमीटर। मंडला की साक्षरता है 66.9%। ठीक है, और लिंग अनुपात है 1,008 मंडला का। 25 मई 1998 में डिंडोरी को अलग पृथक कर जिला बनाया गया था मंडला। चुटका में परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित है। बेगाचक क्षेत्र यहीं पर स्थित है। दो राष्ट्रीय उद्यान वाला एकमात्र जिला, दो राष्ट्रीय उद्यानों वाला एकमात्र जिला है। यहाँ कान्हा और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अभयारण्य की बात करें तो फॉसिल्स उद्यान कुछ भाग डिंडोरी में है जो कि प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कैन अभयारण्य भी है यहाँ मंडला में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह हालू घाटी मंडला में स्थित है। यह उद्यान का कुछ हिस्सा बंजर घाटी बालाघाट में स्थित है। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी है। ठीक है, पर्यटक स्थलों की बात करें तो मोती महल बगेलियन महल है। प्रसिद्ध शनि मंदिर यहाँ है। नर्मदा नदी से घिरा हुआ तथा इसे नदियों का द्वीप भी कहा जाता है। मंडला जिले की रामनगर तहसील पहले गोंड राजाओं की राजधानी थी। स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई यहीं की थी। ठीक है,
फिर जबलपुर संभाग में अगला जिला आता है हमारा नरसिंहपुर, कौन सा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की जनसंख्या है 10,91,854। नरसिंहपुर का क्षेत्रफल है 5,133 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 75.7%। लिंग अनुपात है 920। राज्य की मध्यवर्ती जिला तथा केंद्र बिंदु है नरसिंहपुर। मेला लगता है नरसिंहपुर में, बरमान मेला। पर्यटक स्थलों की बात करें तो डमरू घाटी, विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग, नरसिंहपुर का किला और बरमान घाट यहीं स्थित हैं। जाट सरदार द्वारा नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर बनवाया गया था यहाँ। बरहेटा महाभारतकालीन विराट नगरी है। वलथारी, यहाँ पर भीमकुंड और अर्जुन कुंड है। पांडवों ने यहीं पर सतधारा निकाली थी तथा राजा बलि की स्थली भी यहीं है। बाची, कीचक की विशाल मूर्ति है। चौरागढ़, गौड़ राजा संग्राम सांग द्वारा निर्मित भव्य किला है। जुटेश्वर, परमहंसी गंगा आश्रम जुटेश्वर, लोधेश्वर शिव मंदिर, हनुमान टेकरी पारे के शिवलिंग है यहाँ। ब्रह्मंड घाट, बरमान घाट, मणिसागर, नर्मदा तट पर उपस्थित ब्रह्मा जी की यज्ञशाला, रानी दुर्गावती मंदिर, हाथी दरबार दरवाजा और वाराह मूर्ति हैं। फसल की बात करें तो सोयाबीन गन्ना है। अरहर उत्पादन में प्रथम जिला है। केंद्रीय भाषी क्षेत्र में नरसिंहपुर जिला भारत का पहला पूर्णता साक्षर जिला होने का गौरव इसे 1992 में प्राप्त कर चुका है। नरसिंहपुर में ही किशोर जेल है, ठीक है। फिर जबलपुर में हमारा अगला जिला आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की जनसंख्या है 20,90,922। क्षेत्रफल है छिंदवाड़ा का 11,815 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है छिंदवाड़ा की 71.2%। लिंग अनुपात की बात करें तो 964 है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का 3.85% है। छिंदवाड़ा का नाम छिंद वृक्ष, पाम तथा सिंह की बहुता याद के कारण छिंदवाड़ा पड़ा। छिंदवाड़ा पर प्राचीन काल में राष्ट्रकूट के शासन का शासन था, जिसकी राजधानी नीलकंठ छिंदवाड़ा में ही थी। अंग्रेजों से पूर्व भोंसले रघुजी द्वितीय के नागपुर राज्य का हिस्सा था छिंदवाड़ा, ठीक है। बादल कोई आदिवासी म्यूजियम छिंदवाड़ा में ही स्थित है, 1954 में स्थापित हुआ था। आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में। उद्योग एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य द्वारा छिंदवाड़ा में ही की गई। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना यहीं हुई केंद्र द्वारा। रियान इंडस्ट्रीज वस्त्र उद्योग यहीं है छिंदवाड़ा में। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ये भी छिंदवाड़ा में ही है। पैंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग छिंदवाड़ा जिले में है। यहाँ कोरकू जनजाति भी पाई जाती है। कोयला, तांबा, मैग्नीज का उत्पादन होता है। पर्यटक स्थलों की बात करें तो लीलाही गांव के समीप कानन नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात है। देवगढ़, गौड़ राजाओं की राजधानी का मध्ययुगीन क्षेत्र, प्रसिद्ध किले के अवशेष हैं। कोकड़ी खापा सिलवानी पर्वत श्रेणी पर स्थित 60 फीट ऊंची जलप्रपात है। अनहोनी सल्फर युक्त गर्म पहाड़ी है का झरना है। ये सभी छिंदवाड़ा ही जिले में स्थित हैं। कपूर था कल्याण देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। पातालकोट छिंदवाड़ा में ही स्थित है। तामिया तहसील में स्थित सुदूर वन क्षेत्र है पातालकोट। भारिया जनजाति का घर भी है। घाटी का 1500 फीट निचला क्षेत्र है। माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग पचमढ़ी तक जाती है। भारिया के साथ गौड़ों का भी निवास है। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। नगरवाड़ी अनेक गुफाएं मौजूद हैं यहाँ। पांडुरना गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष जाम नदी तट पर आयोजित होता है छिंदवाड़ा में ही। फिर जबलपुर संभाग में अगला जिला होगा हमारा डिंडोरी। जनसंख्या है 7,04,524। इसका क्षेत्रफल है 7,469 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 63.9%। लिंग अनुपात है 1,002। स्थापना की बात करें तो 1998 में मंडला से पृथक कर दिया गया था। वर्तमान में जबलपुर संभाग में स्थित है। प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व
94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला है। डिंडोरी लिंगानुपात में चौथा स्थान है इसका 1002। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है डिंडोरी। न्यूनतम संचित जिला है डिंडोरी। डिंडोरी छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ पूर्वी जिला है डिंडोरी। डिंडोरी के पर्यटक स्थलों की बात करें हम तो यह जगतपुर इको टूरिज्म जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जनजातीय नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य सुगा करमा रीना बिलमा यही है। बेगा एवं गोंड जनजाति पाई जाती है। सरई पिपरिया इसका अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे आगे हम लोग शहडोल संभाग के बारे में। शहडोल संभाग में कितने ज़िले हैं? 3। कौन कौन से? शहडोल उमरिया अनूपपुर। पहला ज़िला है हमारा शहडोल। 1,066,063 जनसंख्या है यहाँ की। क्षेत्रफल इसका 6,205 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है शहडोल की 66.7%। लिंगानुपात है 974। शहडोल में अभ्यारण की बात करें तो सोन घड़ियाल अभ्यारण सीधी एवं शहडोल सीमा पर है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र शहडोल जिले में ही स्थित है। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई यही है। शहडोल में दूरदर्शन आकाशवाणी है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, शहडोल में जिले में ही स्थित है। ये भी याद रखना, देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सुहागपुर से निर्वाचित हुई थी, जो शहडोल जिले में ही स्थित है। वाण सागर परियोजना देवलोक लोध नामक स्थान पर है। यहाँ के पर्यटक स्थलों की बात करें शहडोल के तो शहडोल में प्राचीन प्रसिद्ध बूढ़ी देवी माता का मंदिर है। अंतरा में कंकाली देवी मंदिर में प्रसिद्ध नवरात्रि मेला लगता है। वाणगंगा बटेश्वर मंदिर कलचुरी शासक युवराज देव द्वारा निर्मित कराएगा। रिलायंस ग्रुप द्वारा सेल गैस संयंत्र स्थापित है। यहाँ यूरेनियम खनिज वाला राज्य का एकमात्र जिला है शहडोल। शहडोल शब्द सहस्त्र डोल से बना है, जिसका अर्थ हजारों तालाब से है। महाभारत ग्रंथ में जिस विराट नगर का उल्लेख है वह है शहडोल जिला। ठीक है, तो ये शहडोल हो गया। शहडोल में अगला हमारा जिला होगा अनूपपुर। कौन सा है? अनूपपुर। अनूपपुर की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 7,49,237। क्षेत्रफल है अनूपपुर का 3,701 वर्ग किलोमीटर और साक्षरता है अनूपपुर की 67.9%। लिंगानुपात है 976। स्थापना इसकी हुई 15 अगस्त 2003 को। शहडोल से अलग करके बनाया गया था अनूपपुर। पर्यटक स्थलों की बात करें तो माई की बगिया सोन मोड़ा नवग्रह मंदिर कबीर चबूतरा जलेश्वर महादेव मंदिर आदिनाथ मंदिर भृगु ऋषि की गुफा सती मंदिर यहाँ स्थित हैं। कपिलधारा जलप्रपात दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है? अनूपपुर जिले में ही स्थित हैं। बात करते हैं प्रमुख खनिज की तो अनूपपुर में कोयला बॉक्साइड अमरकंटक फायर क्ले पुष्प राजगढ़ में स्थित है। कोतमा कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध है। वेंकट नगर बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक अनूपपुर में ही अमरकंटक है। मैकाल श्रेणी में उपस्थित एक हिल स्टेशन है। नदियों की बात करें तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा सोन जोहिला। शंभूधारा एवं दुर्गाधारा नर्मदा नदी की 2 जलधाराएँ हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित हैं। खनिज की बात करें तो बॉक्साइड यहाँ अमरकंटक में। चचाई थर्मल पावर स्टेशन है अमरकंटक में। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में 2008 में स्थापित हुआ। ग्रामीण पंचायती प्रशिक्षण केंद्र भी है अमरकंटक में। अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है। नर्मदा मंदिर अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर को नागपुर के भोंसले राजाओं द्वारा निर्मित है, जबकि रीवा के बघेल राजा गुलाब सिंह द्वारा परिक्रमा स्थल निर्मित कराया गया। यह 20 मंदिरों का समूह है। इसमें महेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित है। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया गया। यहाँ पर आदिनाथ जैन तीर्थकर की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा स्थित है। अनूपपुर के बाद आता है हमारा शहडोल में उमरिया जिला। उमरिया की जनसंख्या है 6,44,758। क्षेत्रफल है उमरिया का 4,076 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता की बात करें तो 65.9% है। लिंगानुपात है 950। 1998 में शहडोल से पृथक करके बनाया गया था का उमरिया। लाख से
चपड़ी बनाने का शासकीय कारखाना है यहाँ। पनपठा नामक कोयला क्षेत्र भी है उमरिया में। जोहिला कोयला घाटी भी है उमरिया में। पर्यटक स्थल बांधवगढ़ का किला वघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। बांधवगढ़ के किले में शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर है। तालार नामक प्रागैतिहासिक स्थल भी है उमरिया में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी उमरिया में ही आपका स्थित है। अब बात करेंगे हम लोग रीवा संभाग के बारे में। कौन सा? चलिए, तो रीवा संभाग में कितने ज़िले हैं? 4। कौन कौन से? रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीवा के बारे में। रीवा की जनसंख्या देखते हैं तो 23,65,106 है, और क्षेत्रफल है रीवा का 6,314 वर्ग किलोमीटर, 6,314 वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर की बात करें तो 71.6% है। लिंग अनुपात है 931। रीवा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। रीवा के उपनाम है सफ़ेद शेरों की भूमि व विंध्य प्रदेश की राजधानी। यहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज जिप्सम, चूना, पत्थर, हरसोंट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, गेरू आदि। जलप्रपात की बात करें तो वीहर नदी पर चचाई जलप्रपात है, केवटी बहुटी जलप्रपात हैं। उद्योगों की बात करें तो सीमेंट, कत्था उद्योग। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है रीवा। सोपारी के खिलौने बनाने का कारखाना भी रीवा में। महामृत्युंजय का मेला भी रीवा में लगता है। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी भी रीवा में। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में ही स्थित है। बात करते हैं हम लोग आगे। टॉन्स जल विद्युत सिरमौर जो रीवा में ही है, और रीवा का पूर्व नाम है भया। यहाँ के राजा रामचंद्र के दरबार में तन्ना मित्रा तानसेन था। रीवा के जिले का आकार त्रिभुजाकार है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम भी रीवा में। 1950 में विंध्य प्रदेश से अलग होकर रीवा बना। पुलिस मोटर वर्कशॉप भी रीवा में। पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी रीवा में। अलसी के उत्पादन में रीवा जिला अव्वल है। अलसी राज्य की सतना, होशंगाबाद, मुरैना आदि जिलों में भी उत्पादित की जाती है। सीधी की बात करें, सीधी जिले की, तो सीधी की जनसंख्या है 11,27,033। यहाँ का क्षेत्रफल है सीधी का 4,851 वर्ग किलोमीटर, और साक्षरता है यहाँ सीधी में 64.4%। लिंगनपात है 957। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ये सीधी में ही है। सोन अभ्यारण, ये भी सीधी में। सीधी की भूमि को कोयला एवं चावल की भूमि कहते हैं। चोरहट पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का गृह क्षेत्र था यहीं। बगदरा और डूबरी प्रसिद्ध कोयला खदान सीधी में। कोरंडम खनिज का उत्पाद भी यहीं होता है। फिर रीवा संभाग में अगला जिला है हमारा सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली। सिंगरौली की जनसंख्या है 11,78,273। क्षेत्रफल है सिंगरौली का 5,675 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 60.4%। 920 है यहाँ का लिंग अनुपात। 24 मई 2008 में सीधी से अलग होकर ये सिंगरौली जिला बना। ये सर्वाधिक पूर्वी जिला है, याद रखना। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बेडन है, जिसे राज्य की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेडन सिंगरौली जिले में ही है। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड के अंतर्गत 9 खदानें संचालित हैं यहाँ। आगे बात करते हैं तो सीधी जिले के कुछ हिस्से को अलग करके सिंगरौली जिले को बनाया गया था, जिसमें 3 तहसीलें हैं, सिंगरौली, देवसर, चिंतरंगी। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। एनटीपीसी का 4000 मेगावाट का शक्ति संयंत्र स्थापित है यहाँ। मारा की गुफाएं भी सिंगरौली में। सर्वाधिक कोयला राजस्व सिंगरौली से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण से 1963 से उत्खनन कर रही है। एसटीएससी के लिए विशेष न्यायालय भी सिंगरौली में। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से
गुजरती है सिंगरौली से, याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं रीवा जिला में, रीवा संभाग में अगला जिला है सतना। सतना की जनसंख्या कितनी है? 22,28,935। क्षेत्रफल है 7,502 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है सतना की 72.3%। लिंगनपात है 926। उद्योग हैं सीमेंट उद्योग, जेपी सीमेंट एवं बीडी उद्योग। मेला लगता है चित्रकूट में, गधा मेला लगता है। ठीक है, याद रखिए चित्रकूट का कुछ भाग यूपी में आता है और कुछ एमपी में। ठीक है, मंदिरों की बात करें तो मेहर में शारदा देवी का मंदिर, भूमरा एवं खोह में गुप्तकालीन मंदिर भी हैं। खनिज चूना गेरू में शीर्ष उत्पादन जिला है। यहाँ मंदाकिनी एवं गुप्त गोदावरी नदी, चित्रकूट जलप्रपात मंदाकिनी नदी पर स्थित है। यहाँ स्फटिक शिला भी है। सती अनुसुईया व अत्रि ऋषि का आश्रम भी यहाँ है। भरहूत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित किया गया। राम वन तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में ही स्थित है। ठीक है, चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख थे। याद रखिए 2019 में नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया है। किने किने? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में। अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी कहाँ है? मेहर, ये भी सतना ही जिले में। अब बात करना है हम लोगों को संभाग, सागर संभाग के बारे में। तो सागर संभाग के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें सामान्य, कि इसमें पहले 5 जिले शामिल थे, लेकिन क्या हुआ कि निवाड़ी जो नया जिला बना है टीकमगढ़ से अलग करके, तो इसमें 6 जिले हो गए अब शामिल। ठीक है, निवाड़ी भी कहाँ आ गया? सागर में, सागर संभाग में। ठीक, तो सागर संभाग में पहला जिला देखते हैं सागर के बारे में। सागर की जनसंख्या है 23,78,458 और क्षेत्रफल है सागर का 10,252 वर्ग किलोमीटर। और इसके साक्षरता की बात करें तो 76.5% है और यहाँ का लिंगनपात है 893। ठीक है, 7 जिलों से घिरा हुआ जिला है सागर। सागर में धमोनी ओर्स लगता है और अब नौरादेही अभ्यारण्य सागर में ही स्थित है। यूनिवर्सिटियों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद प्राइवेट विश्वविद्यालय और हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में ही है। याद रखना प्रदेश की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में, एवं राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रदेश का वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा उद्यान इसी विश्वविद्यालय में है। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी भी यही है। महार रेजिमेंट का मुख्यालय भी सागर में है। बीना तहसील के आगा सौद में ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लगाई गई है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में ही स्थित है। गेहूँ अनुसंधान सागर में है। फॉरेंसिक साइंस लैब सागर में है। एरन अभिलेख सागर में सती पिता का प्रथम अभिलेख मिला एवं समुद्रगुप्त का सौभोग नगर। पर्यटक स्थलों की बात करें तो मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल है, राहतगढ़ तथा गढ़कोटा का किला भी है। स्वान योजना जुलाई 2009 में सागर जिले में शुरू की गई थी। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्यालय सागर ही है। सठन नामक जनजाति इसी जिले में पाई जाती है। ठीक, बात करते हैं छतरपुर जिले के बारे में। सागर संभाग में छतरपुर जिला, जनसंख्या है छतरपुर जिले की 17,62,375। क्षेत्रफल है छतरपुर का 8,687। साक्षरता है 63.7%। और छतरपुर का लिंगनपात है 883। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जजाक भुक्ति कहा जाता था। राजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम छतरपुर पड़ा।
जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। पर्यटन स्थलों की बात करें तो खजुराहो, धोबेला, संग्रहालय, मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध नौगांव, पांडव प्रपात, रंगव झील, बेनी सागर बांध इत्यादि। खनिज की बात करें तो पायरोफाइट, डाइस्पोर। छतरपुर में हीरे के भंडार ज्ञात हुए हैं। ठीक है, अब बात करें खजुराहो। छतरपुर जिले में ही स्थित है खजुराहो। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है 1986 में। चंदेल कालीन 11वीं शताब्दी के अनेक मंदिरों का समूह है, जिनमें कंदरिया महादेव, 64 योनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर प्रमुख हैं। आदिवासी संग्रहालय खजुराहो में स्थित है। सागर संभाग में अगला जिला है हमारा टीकमगढ़। ठीक है, कौन सा है? टीकमगढ़। इसके टीकमगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 14,45,166। क्षेत्रफल कितना है टीकमगढ़ का? 5,048 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता कितनी है? 61.4%। लिंगानुपात 901। याद रखिए टीकमगढ़ के बारे में, टीकमगढ़ से अलग करके ही निवाड़ी नया जिला बनाया गया है अक्टूबर 2018 में, तो याद रखना। सबसे जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। ठीक है, कितनी जनसंख्या है? लगभग 401,000 के करीब, और क्षेत्रफल इसका 1,318 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग। यहाँ के पहले SP है मुकेश कुमार श्रीवास्तव और IAS हैं अक्षर कुमार। ठीक है, ताला टीकमगढ़ के बारे में बात करें तो तालाब और पर्वतों का जिला बोला जाता है टीकमगढ़ को। बुंदेलों की सौर्य भूमि लोक कवियों ईश्वरी जगने घाग की भूमि भी कहा जाता है। पर्यटक स्थलों की बात करें तो बेतवा के किनारे बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा में शहीद स्मारक एवं राम राजा का प्रसिद्ध मंदिर। याद रखना, अब ये दोनों ओरछा का राम राजा मंदिर निवाड़ी जिले में आने लगे हैं। ठीक है, जब से निवाड़ी नया जिला बना है। जटाशंकर तीर्थ, कुकड़ेश्वर मंदिर जहाँ शिवलिंग का आकार पितिवस बढ़ता है, पायोराजी एवं ताला जैन तीर्थ स्थल टीकमगढ़ जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़ जिले से ही है। ओरछा में रामायण संग्रहालय स्थापित है। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक तालाबों वाला जिला, यहाँ के सभी चंदेल कालीन तालाबों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से हुआ है, जिसमें एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदरूनी ढंग से चला जाता है। बात करते हैं हम लोग दमोह के बारे में। सागर संभाग में अगला जिला है दमोह। दमोह की जनसंख्या है 12,64,219। इसका क्षेत्रफल है 7,306 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 69.7%। लिंगानुपात है 910। रानी दमयंती के नाम पर दमोह का नाम रखा गया। पाषाणकालीन स्थल सिगरामपुर घाटी यहीं स्थित है। भैंसा गांव के पास निदान कुंड नामक जलप्रपात भी यहीं है। रानी दुर्गावती अभ्यारण, नापारा पिकनिक स्पॉट, ये भी दमोह जिले में ही स्थित है। नरसिंहगढ़ में लाइम स्टोन है। डायमंड सीमेंट की फैक्ट्री दमोह जिले में ही स्थित है। पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है पीतल नगरी भी बोलते हैं इसे दमोह को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक दमोह जिले में है। चंदेलों की राजधानी नोहटा रही, नोहटा में ही नोहलेश्वर मंदिर स्थित है। कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल, बंदकपुर प्रसिद्ध शिव मंदिर दमोह जिले में ही स्थित हैं। बतियागढ़ का किला दमोह पर्शियन वास्तुकला का उदाहरण है। दमोह से कर्तव्य नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। पत्रकार माधव सप्रे, चित्रकार सैयद हृदय रजा इसी जिले में संबंधित हैं। सिंगरगढ़ में गुलाबों से युक्त
झील है। बात करें पन्ना की, किस पन्ना जिले की, सागर संभाग में अगला जिला है पन्ना। पन्ना की जनसंख्या है 10,16,520, क्षेत्रफल है 7,135 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता दर है 64.8%, लिंगनपात है 905। हीरा उत्खनन के लिए पन्ना विश्व प्रसिद्ध है। जून 2009 से NMDC ने हीरा खनन पुनः शुरू किया। प्रतिवर्ष 80,000 कैरेट उत्पादित होते हैं। पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। पन्ना में टी हाउस भी है। पुरैना में सीमेंट औद्योगिक केंद्र है। अभ्यारण गंगऊ अभ्यारण भी यही है पन्ना में, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पन्ना व छतरपुर जिले में विस्तृत है, यह प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। केन नदी इस उद्यान से गुजरती है, जहाँ केन घड़ियाल अभ्यारण भी है। आंवला के अधिक उत्पादन के कारण पन्ना जिले को आंवला जिला भी घोषित किया गया है। पांडव जलप्रपात यही है, ठीक है, पन्ना में। प्रसिद्ध बलदेव मंदिर, लंदन स्थित फ्लोरेंस कैथेड्रल सैंडी में बना इटालियन विशेषज्ञ मानली के निर्देशन में। किलकिला नदी के तट पर पद्मावती या बड़ी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। अजयगढ़ का किला भी पन्ना जिले में ही स्थित है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग ग्वालियर संभाग के बारे में, किस के ग्वालियर। ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर की जनसंख्या है 20,32,036 और क्षेत्रफल है 4,560 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है यहाँ ग्वालियर में 76.7%। लिंगनपात है 864। लिंगनपात कितना है ग्वालियर का? 864। स्थापना की बात करें तो राजा सूरसेन ने पवित्र संत ग्वालिया या गालो ऋषि के सम्मान में 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी ग्वालियर की। पर्यटक स्थलों की बात करें तो छत्ती बाग, ग्वालियर का किला, मान मंदिर, बाड़ा, गुजरी महल, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद का मकबरा, रूप सिंह स्टेडियम, लक्ष्मीबाई की समाधि, मोती महल, मंडला में भी है याद रखना मोती महल और ग्वालियर में भी है, जयविलास पैलेस, गोपांचल की दिगंबर जैन मूर्ति, तेली का मंदिर, ये द्रविड़ शैली का है मंदिर, ठीक है, तेली का, सूर मंदिर, उड़ीसा के सूर मंदिर की नकल है। उद्योगों की बात करें तो दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना, चीनी मिट्टी एवं बिस्कुट उद्योग भी ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है यहीं ग्वालियर में। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज भी ग्वालियर में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय एवं महालेखाकार का कार्यालय ग्वालियर में ही स्थित है। CRPF प्रशिक्षण केंद्र है यहीं। NCC का महिला प्रशिक्षण केंद्र भी है ग्वालियर में। देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में ही स्थित है। 31 अक्टूबर 2009 को इसकी स्थापना हुई। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण जिसमें सौन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, ये ग्वालियर जिले में ही स्थित है, ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, जहाँ पर तानसेन समारोह की का आयोजन किया जाता है, जबकि तानसेन की जन्म स्थली है बेहट, ठीक है। सरोद घर के नाम से स्थापित संग्रहालय जिसे उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन घर में स्थापित किया गया है। ग्वालियर का किला, निर्माता है इसके सूरसेन। किलों का रतन या जिब्राल्टर कहा जाता है इसे, बाबर ने संज्ञा दी थी। पूर्व में ग्वालियर मध्य प्रांत की राजधानी था। दाँताबंदी छोड़ गुरुद्वारा में छठवे गुरु हरगोबिंद को जहांगीर ने 2 साल की कैद में रखा था। किले के अंदर ही इस स्थान पर गुरुद्वारा है, ठीक है। बात करते हैं भारत के ग्वालियर में ही। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध ग्वालियर से रहा है। समूदन जैविक फार्म हाउस डबरा ग्वालियर में स्थित है।
तैरता हुआ रंगमंच बेजाताल ग्वालियर में स्थित है। उच्चतम न्यायालय जबलपुर की एक खंडपीठ इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में, ठीक है। मानसिक चिकित्सा संस्थान ग्वालियर इंदौर में है। अब विश्वविद्यालयों की बात करें तो जीवाजी जो विश्वविद्यालय है जी ग्वालियर में 1964 में इसकी स्थापना हुई। ग्वालियर में सूचना तकनीक विश्वविद्यालय स्थापित है। महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी ग्वालियर में है, जिसे समकक्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में जिस 2008 में स्थापित किया गया। विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं, ग्वालियर संभाग में अगला जिला है हमारा शिवपुरी। शिवपुरी की जनसंख्या है 17,26,050। क्षेत्रफल है शिवपुरी का 10,278 वर्ग किलोमीटर। कितना? 10,278 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है शिवपुरी की 62.5%। लिंगनपात है 877। मेला की बात करते हैं तो पीर बुधान का मेला लगता है शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन भी स्थित है। अभ्यारण करेरा अभ्यारण जहां सौन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। इस उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। मनिहारी नदी पर सांख सागर एवं माधव सागर बांध स्थित हैं। 2010 में शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया गया। पर्यटक स्थल शिवपुरी में नरवर का किला, तात्या टोपी की समाधि, सिंधिया परिवार की छत्रियाँ, टाइगर सफारी। शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है शिवपुरी से। पूर्व में इसका नाम शिवपुरी था। कत्था बनाने का कारखाना भी यहीं शिवपुरी में है, ठीक है। कत्था बनाने का कारखाना यहीं पर है। शिवपुरी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। राज्य का पहला परमाणु विद्युत गृह भीमपुर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान शिवपुरी में ही पाया जाता है। बात करें गुना, ग्वालियर संभाग में अगला जिला है गुना। गुना की जनसंख्या है 12,41,519। क्षेत्रफल है 6,485 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 63.2%। लिंगनपात है 912। मेला तेजाजी का मेला लगता है यहाँ गुना में। उद्योग में विजयपुर में गेल कंपनी है। नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयनगर विजयपुर गुना जिले में, जिसे अमेरिका एवं इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था। भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र गुना जिले में ही है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइप लाइन यहीं से निकलती है। प्राचीन काल में गुना अवंती राज्य का हिस्सा तथा 18वीं शताब्दी में राधागढ़ रियासत का हिस्सा थी। 1948 में गठित मध्य प्रांत के 16 जिलों में एक गुना जिला भी था। कुंभराज गुना की महत्वपूर्ण गल्ला मंडी है। राधागढ़ में दिग्विजय सिंह, याद रखना है ना, राधागढ़ में दिग्विजय सिंह का गांव है। ये पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, ठीक है। बजरंगगढ़ में प्राचीन किला हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध स्थल है। अब बात करते हैं ग्वालियर संभाग में अगला जिला है हमारा अशोकनगर। अशोकनगर की जनसंख्या है 8,45,041। क्षेत्रफल है 4,676 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है यहाँ की 66.4%। लिंगनपात 904 है। स्थापना इसकी अशोकनगर की 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके बनाया गया था। और चंदेरी की प्रसिद्ध किला भी यही है चंदेरी का, ठीक है। चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी, ठीक है। चंदेरी में बीजू बाबरा संगीतकार की समाधि भी है। मुंगावली में खुली जेल भी है अशोकनगर में। आनंदपुर आश्रम यहीं पर स्थित है। अशोकनगर जिला पार्वती और बेतवा नदी का जल विभाजक है। चंदेरी साड़ी पेटेंट कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। मोल बांध कोच बांध पार्वती नदी पर है। अशोक मौर्य के नाम पर जिले का नाम पड़ा। सिंध व बेतवा नदी के मध्य त्रिकाल मंदिर में 24 जैन तीर्थकर हैं। पर्यटन स्थलों की बात करें तो लवकुश जन्म स्थल, धुआन जैन क्षेत्र,
सहयोग संप्रदाय का चंदल मठ, चंदेरी में बादल महल पोषक महल हैं। अशोकनगर में ईसागढ़, चंदेरी व मुंगावली तहसीलें इस ज़िले में आती हैं। फिर बात करते हैं दतिया के बारे में। दतिया की जिला की जनसंख्या है 786,754। क्षेत्रफल है दतिया का 2,691 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 72.6%। लिंगानुपात है 873 दतिया का, ठीक है। इसका दतिया का प्राचीन नाम है दिलीप नगर। वीर सिंह बुंदेला द्वारा 17वीं शताब्दी में 7 मंजिला सतखंडा महल का निर्माण कराया गया। इसे पुराना महल, हवा महल, खेतरी महल भी कहा जाता है। प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है 60% दतिया। गुर्जरा से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, जहां अशोक का नाम अशोक मिलता है। दतिया में पीताम्बरा पीठ भी स्थित है, शक्तिपीठ। रतनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? रतनगढ़ का माता का प्रसिद्ध मंदिर है दतिया में ही। जैनों के तीर्थ स्थल सोनागिरी भी यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था जब तक निवाड़ी गठित नहीं हुआ था, ठीक है। अब छोटा सबसे निवाड़ी है। कुंदेरु सिंह संगीत कॉलेज भी यही है। अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन की संज्ञा दी गई है। बगलामुखी देवी, धूमावती देवी मंदिर यही है। दतिया भांडेर मार्ग पर वनस्पति उद्यान है। सेवनधा जलप्रपात सिंधु नदी पर है। भांडेर में गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र है। बात करते हैं हम लोग चंबल संभाग के बारे में। तो चंबल संभाग में कितने जिले हैं? भिंड, मुरैना, शिवपुर। तो सबसे पहले बात करते हैं भिंड के बारे में। भिंड की जनसंख्या है 17,03,005। क्षेत्रफल है भिंड का 4,459 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 75.3%। लिंगानुपात है 837। प्रमुख फसल है सरसों। याद रखिए, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है, ठीक है, कोशिश तो हर संभव यही भी रहती है कि आप मुझसे गलती ना हो, ठीक है, सही बताया जाए, जो भी बताया जाए। अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसे कृपया करके कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिख दें, जिससे अगर गलती हो जाती है तो दूसरे को पता चल जाए, ठीक है, प्लीज। भिंड में बात करें मंदिरों की तो जमधारा का रेणुका माता मंदिर, ददरोहा रोहा सरकार का हनुमान मंदिर भिंड में ही है। भिंडी ऋषि के नाम पर भिंड नाम पड़ा इसका। अटेर किला भिंड में ही है। भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है डकैतों के कारण, ठीक है, भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर वाला स्थान है भिंड। कम लिंगानुपात में पहला स्थान है 837। मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर भिंड में है। उद्योगों की बात करें तो कैडबरी रेनवैक्सी कंपनी है मालनपुर में। मालनपुर में रक्षा उत्पादन हेतु रसायन कॉर्प इंडिया लिमिटेड है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रोन इसी जिले में है भिंड में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है भिंड में, ठीक। अब है शिवपुर। शिवपुर की जनसंख्या है 687,861। क्षेत्रफल है यहाँ का 6,606। साक्षरता दर है 57.4%। लिंगानुपात है 901। स्थापना की बात करें तो 1998 में मुरैना से पृथक कर बनाया गया था शिवपुर अभ्यारण्य। शिवपुर में पालपुर कूनो अभ्यारण्य है। फसल की बात करें तो सरसों है। शिवपुर सर्वाधिक कुपोषित जिला है। इसकी सीमा राजस्थान से लगती है शिवपुर की। चंबल नदी से सिंचित जिला है। काष्ठ नक्काशी कला केंद्र यही है, ठीक, शिवपुर में। ककेटो डैम भी शिवपुर में। बात करते हैं मुरैना। चंबल संभाग में मुरैना। मुरैना की जनसंख्या 19,65,970। क्षेत्रफल है 4,989 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 71%। लिंगानुपात है 840। मध्य प्रदेश का शहद जिला है, ठीक। पर्यटक स्थलों की बात करें तो सेहोनिया में ककन मठ मंदिर व सास बहु अभिलेख हैं। बटेश्वर में 6 से 7वीं शताब्दी के मंदिर हैं। बटेश्वर को पर्यटन हेतु विकसित किया जा रहा है। पाड़ावली व मितावली ऐतिहासिक स्थल हैं यहाँ।
यहाँ मतावली स्थल महाभारतकालीन है व गुप्तकालीन मंदिर के भी यहाँ अवशेष प्राप्त हुए। गुर्जर सरदार सबल द्वारा निर्मित किला खूबसूरत बांध सबलगढ़ में है। प्रागैतिहासिक कालीन 86 गुफाओं की श्रृंखला पहाड़गढ़ में। चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय भी यही है मुरैना में। नूराबाद जहांगीर काली नगर कुआरी नदी पद मध्य योगीन बांध गौना बेगम का मकबरा मुरैना में। मुख्य फसलें सरसों यागी गजक हेतु प्रसिद्ध है मुरैना। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सबसे कम लिंग अनुपात है मुरैना का 829। ठीक। चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल परियोजना, यहाँ डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। बीहड़ समस्या भी मुरैना में। उद्योग की बात करें तो कत्था बनाने का कारखाना बानमोर, की एस सरसों तेल कंपनी, ये भी सभी मुरैना जिले में। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। कालीन निर्माण हेतु प्रसिद्ध है मुरैना। मुरैना में देश का पहला शहीद मंदिर स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बनवाया गया। तो चलिए, ये थे हमारे प्रमुख जिले और जिलों से संभाग। ठीक, और बहुत अच्छे से देख लिया हम लोगों ने जिलों को भी और संभागों को। अब आगे बात करेंगे हम लोग जनांकीय परिदृश्य के बारे में। ठीक है, याद रखिए हम लोगों ने जनगणना से संबंधित 2011 की जनगणना से संबंधित भारत के बारे में पूरी हम लोगों ने देख लिया था एक लेक्चर में। ठीक है, वो लेक्चर आपका मिल जाएगा स्पेशल वीडियो फॉर IS PCS प्ले लिस्ट सूची में। ठीक है।